नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। गमछे से गला घोंटकर युवक की हत्या। दूसरे दिन जंगल में मिला युवक का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उन्नाव माखी थाना क्षेत्र के प्यारेपुर गांव के कफरा नदी पर एक युवक का शव मिला। उसके गला गमछा से कसा है, बगल में बाइक खड़ी है। मुंह से खून निकलता देख परिजनों के हत्या की आशंका जाहिर की। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना क्षेत्र के पंडित खेड़ा निवासी मेवालाल 38 पुत्र स्व रामस्वरूप किसानी करता था, साथ ही पेड़ों की खरीद करता था। पत्नी मंजू ने बताया कि 5 जून को सुबह 8 बजे घर से निकला था। सायं 3 बजे के बाद मोबाइल की घंटी बजती रही, फोन नहीं उठा। गुरुवार को सुबह ककरा नदी की पकड़ी पर शव मिलने की जानकारी मिली। पावा चौकी पुलिस पहुंची। उसका गला गमछा से कसा है, मुंह से खून निकल रहा है, बाएं हाथ में बाइक की चाबी फंसी है। पास ही पल्सर बाइक खड़ी मिली। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी संदीप मिश्रा ने मामले जांच शुरू किया। 6/6/2024 को थाना माखी क्षेत्र के अंतर्गत सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिनका नाम प्यारेलाल उर्फ राजेश पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम पंडित खेड़ा उम्र करीब 40 वर्ष का शव ककरा नदी के पास पटरी पर प्यारेपुर की तरफ पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल माखी पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिसिंग टीम को भी मौके पर बुलाया गया। इसके पश्चात शव को कब्जे में लेकर पहचानना में कार्रवाई की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हर बिंदुओं पर जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।